Welcome to third lecture of series. इस lecture में हम लोग करेंगे या PYQs discuss करेंगे वर्नियर कैलिपर्स ओके ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पे ये लेक्चर सिर्फ इन ही दो जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है उसके लिए डेडिकेटेड है सो विदाउट वेस्टिंग स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन जो PYQ क्यू है जेई का अ ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप ट्वेंटी डिविजन पर सेंटीमीटर एक सेंटीमीटर में बिज डिजन है तो एक डिविजन कितना हुआ बेटा यहाँ पे है ना चलो

कि ये जो चीज होती है ये होता है एम और ये जो चीज होता है ये होता है एन है ना इसको हम लोग एम बोलते हैं और इसको एन बोलते हैं तुमको तो क्या निकालना है लीस्ट काउंट है ना तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम लोग पे लीस्ट काउंट इज इक्वल टू ब्रैकेट में वन माइनस एम बाई एन ये फॉर्मूला तो वन एम एस डी कितना है वन बाई ट्वेंटी ब्रैकेट में वन माइनस कितना आएगा ये एम कितना है ट्वेंटी फोर यह कितना हो गया ट्वेंटी फाइव तो कितना हो गया ये वन बाय ट्वेंटी इंटू इसको अगर सॉल्व किया वन माइनस ट्वेंटी जीरो टू सेंटीमीटर क्योंकि एमएसडी जो था हमारा ये सेंटीमीटर में था सो करेक्ट आंसर इज जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू सेंटीमीटर ऑप्शन सी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन दैट

इसका लीस्ट काउंट क्लियर मेन स्केल रीडिंग कितना है टू पॉइंट फाइव एम एम और फोर्टी फिफ्थ डिविजन ऑफ सर्कुलर स्केल इज इन दिच लाइन है ना फोर्टी फिफ्थ डिविजन है सर्कुलर स्केल रीडिंग फोर्टी फाइव हो गया और इंस्ट्रूमेंट में जीरो पॉइंट जीरो थ्री एम एम की निगेटिव एरर है ठीक है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है फाइनल रीडिंग दैट इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस एरर है ना ये ये फॉर्मूला याद रखना अब मेन स्केल रीडिंग कितना है बेटा 2.5 है ना प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना रहेगा सर्कुलर स्केल रीडिंग यानी क्या कि जो कितना डिवीजन है सर्कुलर स्केल पे जो पिच के लाइन में आया कितना आया 45 लिस्ट काउंट हमेशा याद रखो लिस्ट काउंट जो है हम लोग सर्कुलर स्केल रीडिंग की जो डिवीजन होती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं माइनस निगेटिव एरर दिया है निगेटिव एरर यानी कितना माइनस जीरो पॉइंट जीरो थ्री ठीक है अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जीरो पॉइंट जीरो वन आ जाएगा तो ये आ जाएगा टू पॉइंट फाइव प्लस जीरो पॉइंट फोर फाइव प्लस जीरो पॉइंट जीरो थ्री है ना तो इट इज टू पॉइंट फाइव प्लस जीरो पॉइंट फोर एट है ना तो आंसर हो गया टू पॉइंट

1 कितना है वन एम एम ब्रैकेट में वन माइनस नाइन बाई टेन है ना तो इसको सॉल्व किया वन इंटू वन बाई टेन हो गया तो फाइनली लीस्ट काउंट जो आया वो आया जीरो पॉइंट वन एम एम ठीक है लीस्ट काउंट जीरो पॉइंट वन एम एम आएगा देखो ये स्टैंडर्ड वर्नियर कैली हो गया दस डिविजन वर्नियर स्केल के और नौ डिविजन मेन स्केल के और मेन स्केल एक मेन स्केल डिविजन एक एम एम या जीरो सेंटीमीटर

वर्नियर के जीरो के पहले वाली रीडिंग है ना वर्नियर के जीरो के पहले वाली रीडिंग कितनी है तो देखो फाइनल फाइनल रीडिंग रीडिंग ये देख लो है ना फाइनल रीडिंग इज इक्वल टू अब वर्नियर के वर्नियर के जीरो के पहले वाली रीडिंग उसको मैं एमएसआर बोलूंगा प्लस वर्नियर स्केल जिससे कोइंसाइड कर रहे हैं है ना डिविजन वर्नियर स्केल डिवीजन जिससे कोइनसाइड कर रहा है इनटू लीस्ट काउंट ये फॉर्मूला है माइनस एरर ठीक है वर्नियर स्केल रीडिंग कितना है 4.1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर में लिख रहे हैं अब हम लोग है ना अब वर्नियर स्केल का कौन सा कोइनसाइड कर रहे हैं सिक्स्थ कोइनसाइड कर रहे हैं यहाँ पे देखो सिक्स्थ डिवीजन बोला है है ना तो सिक्स्थ डिवीजन कोइनसाइड कर रहे हैं और लीस्ट काउंट कितना है 0.1 जीरो पॉइंट वन एम एम है तो इसको हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा जीरो पॉइंट जीरो वन सेंटीमीटर है ना इसको सेंटीमीटर में कर देंगे अपन क्योंकि सब सेंटीमीटर में यूज कर रहे हैं है ना इसको भी हम लोग सेंटीमीटर में करेंगे जीरो पॉइंट जीरो फोर सेंटीमीटर माइनस एरर अब क्योंकि एरर पॉजिटिव एरर है तो यहां पे प्लस लिखेंगे माइनस के आगे प्लस ही आएगा मतलब जीरो पॉइंट जीरो फोर सेंटीमीटर तो कितना हो गया फोर पॉइंट वन प्लस जीरो पॉइंट जीरो सिक्स माइनस जीरो पॉइंट जीरो फोर ठीक है सो so, कितना हो गया ये फोर पॉइंट वन प्लस जीरो पॉइंट जीरो टू तो ये हो गया फोर पॉइंट वन टू है ना लेकिन ये हो गया सेंटीमीटर में लेकिन जो आंसर है वो क्या बोला है इंटू टेन टू तो द पावर माइनस टू सेंटीमीटर यह फिलिंग द ब्लैंक है अब इसको टेन का पावर माइनस टू लगाया तो यह कितना हो जाएगा फोर हंड्रेड एंड ट्वेल्व तो was, मतलब तुमको कितना करना था फोर वन टू नॉट फोर पॉइंट वन टू जिसने फोर पॉइंट वन टू किया गलत हो गया फोर वन टू इंटू टेन टू दावर माइनस टू क्योंकि आगे बोला था देखो यहां पर पावर माइनस टू दिया था इसलिए जो न्यूमेरिकल एंट्री करना था वो था फोर वन टू ओके नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट दैट अ स्क्रू गेज ऑफ पिच जीरो पॉइंट फाइव एम एम इज यूज टू मेजर द डायमीटर ऑफ यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ

एम mm. ठीक है क्लियर जीरो पॉइंट जीरो वन एम हो गया उसका पिच सॉरी लीस्ट काउंट है ना अब डायमीटर जो अपन ने निकाला वो कैसे निकालेंगे डायमीटर यानी क्या रहेगा मेन स्केल रीडिंग है ना वन पॉइंट फाइव एम प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू टू लीस्ट काउंट फॉर्मूला ये स्क्रू गेज का अपन ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं तो इट इज वन प्लस सेवन इंटू 0.01, which is 1.5 plus इज वन पॉइंट तो इट इज 1.57 पॉइंट फाइव लेकिन सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में तो अपन इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.157 सेंटीमीटर ये हो गया डायमीटर. ठीक है लेंथ दिया हुआ है लेंथ कितना दिया है बेटा यहां पे 6.8 सेंटीमीटर वायर का अब वायर का डायमीटर दिया है वायर का लेंथ दिया तुमको पूछा वायर का कर्व्ड सरफेस एरिया वायर यानी क्या है सिलेंडर है है ना वो भी एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक अब कर्व्ड सरफेस एरिया वायर का जो होता है यानी सिलेंडर का वो होता है पाई डी एल पाई यानी कितना थ्री पॉइंट वन फोर डायमीटर कितना है जीरो पॉइंट वन फाइव सेवन इन एल कितना है बेटा सिक्स अब ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है है ना तीनों को मल्टीप्लाई किया सपोज अब ये तुमको रफ में कैलकुलेट करना पड़ेगा तो इस तीनों का मल्टीप्लीकेशन आता है ये तुम एक्चुअली कैलकुलेट कर लेना वहां पे है ना एग्जाम में बैठ के सब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ठीक है अब लेकिन करेक्ट अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको अपने को लेकर जाना है अब सिग्निफिकेंट फिगर का रूल क्या कहता है कि जब तुम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते तो जो फाइनल आंसर आता है ना इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जो फाइनल आंसर आया उसमें उतने ही मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए जितने मल्टीप्लीकेटिंग नंबर्स में होते हैं अब देखो इसमें डेसिमल प्लेसेस कितने हैं टू है ना इसमें डेसिमल प्लेसेस कितने हैं थ्री है ना और इसमें डेसिमल प्लेस कितना है वन तो हमारे फाइनल आंसर में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए वन है ना तो ये सब तो हमारे काम के नहीं है ठीक है अब ये नंबर से अपने को इसको राउंड ऑफ करना है अब ये नंबर क्या है फाइव है तो फाइव है तो राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर कितना आएगा इसका थ्री पॉइंट फोर सेंटीमीटर स्क्वायर राउंड ऑफ का रूल समझा क्योंकि फाइव था ना इसलिए आगे का नंबर एक से बढ़ा दिया तो कितना हो गया थ्री पॉइंट फोर सेंटीमीटर स्क्वायर यह आंसर हमारा होना चाहिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी समझ में आया

ठीक है ये अभी नोट डाउन करके रखते हैं क्योंकि यही तो कन्वेंशन हम लोग फॉलो करते आए है ना आगे क्या बोला है, है, है पांच डिविजन है।, है, है तो एक डिविजन कितने का हुआ वन बाय फाइव सेंटीमीटर लेकिन सारे ऑप्शन में है देख लो यहाँ पे mm में है ना तो इसको mm में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा टेन बाय फाइव एम एम विच इज एम ठीक है ना अपने को निकालना है लीस्ट काउंट है ना लीस्ट काउंट कितना रहेगा one MSD ब्रैकेट में one minus m by n one MSD कितना है two one minus m की वैल्यू कितनी है n और n की वैल्यू कितनी है n plus one ये ऊपर से हम लोगों ने लिख लिए इसको सॉल्व किया यहाँ पे तो ये कितना आ गया two ब्रैकेट में n plus one minus n upon n plus one And, and तो ये कितना हो गया टू अपॉन एन प्लस वन बी टू अपॉन एन प्लस ए नेर कैलिपर्स जीरो पॉइंट वर्नियर कॉन्स्टेंट यानी क्या होता है लीस्ट काउंट तो लीस्ट काउंट कितना दिया है जीरो पॉइंट वन एम एम एंड इट हैजीरो माइनस जीरो पॉइंट जीरो सेंटीमीटर है ना तो इसको जीरो पॉइंट जीरो वन सेंटीमीटर लिख देंगे और जीरो एरर है ना एरर जो है एरर कितना है माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव सेंटीमीटर वाइल मेजरिंग द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर द मेन स्केल रीडिंग मेन स्केल रीडिंग एमएसआर कितना है वन पॉइंट सेवन सेंटीमीटर एंड कोइंसाइडिंग वर्नियर डिवीज़न इज फाइव है ना वर्नियर डिविजन जो कोइंसाइड कर रहा है वो कितना है फाइव द करेक्ट डायमीटर करेक्टेड डायमीटर विल बी डैश इंटू टेन का पावर माइनस टू सेंटीमीटर है ना तो रीडिंग कितना रहेगा फिर यहाँ पे रीडिंग कितना होता है एम प्लस वर्मियर स्केल डिविजन दैट कोइंसाइड्स इनटू लीस्ट काउंट माइनस एरर ये फॉर्मूला है यही तो फॉर्मूला यूज करते आ रहे हैं हम लोग ये कितना आ गया वन प्लस कितवन कितने बार कोइंसाइड कर रहे हैं फाइव फाइव इंटू माइनस माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव है ना कितना आ जाएगा ये वन पॉइंट सेवन प्लस जीरो पॉइंट जीरो फाइव प्लस जीरो पॉइंट जीरो फाइव है ना तो वन पॉइंट सेवन प्लस जीरो पॉइंट वन जीरो तो इट इज वन पॉइंट एट जीरो सेंटीमीटर है ना लेकिन ये न्यूमेरिकल एंट्री वाला क्वेश्चन था तो इसको लिखा इन्होंने वन एटी

लेकिन जो फाइनल आंसर है वो एम mm में निकालना है तो इसको एम mm में कन्वर्ट किया तो इट इज टेन बाई ट्वेंटी एम विच इज जीरो पॉइंट फाइव एम ठीक है और क्या बोला यहाँ पे टेंथ वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स इन साइड विथ नाइन मेन स्केल डिवीजन यानी नाइन एम एस इज इक्वल टू टेन वी अब तुमको पता है ये चीज होती है एम और ये चीज होती है एन ठीक है तो यहाँ पे काउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा लिस्ट काउंट या फिर वर्नियर कॉन्स्टेंट वर्नियर कॉन्स्टेंट लिस्ट काउंट एक ही बात है जो हमको निकालना है ठीक है लिस्ट काउंट कितना होगा ब्रैकेट में 1 -m n. 1 MSD कितना है जीरो पॉइंट फाइव वन माइनस नाइन बाई टेन ठीक है इट इज जीरो पॉइंट फाइव इन टू वन बाई टेन विच इजीरोप्शन किस में है टेन का पावर माइनस टू है ना तो इट इज फाइव इंटू टेन का पावर माइनस टू एम एम है तो फाइव इंटू टेन का पावर माइनस टू क्या टेन का पावर माइनस टू एम एम क्या है है तो तो पे आना चाहिए योर न्यूमेरिकल एंट्री शुड बी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास लैब

तो अगेन एज यूजल ये एम हो गया हमारा ये हो गया एन तो जब सबसे पहले क्या निकालेंगे इसका लीस्ट काउंट और वही आंसर निकालना है वन एम एस डी कितना है वन बाय फोर्टी ब्रैकेट में वन माइनस फोर्टी नाइन बाई फिफ्टी लेकिन ये आंसर किस में आएगा सेंटीमीटर में है ना तो ये हो गया वन बाय फोर्टी इंटू वन बाई फिफ्टी सेंटीमीटर ठीक है अब अपने को सारे फाइनल आंसर जो है वो टेन का पावर माइनस सिक्स मीटर है है ना तो पहले अपन क्या करेंगे इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए टेन का पावर माइनस टू मीटर लिख देंगे और इसको सॉल्व किया तो कितना हो गया ये वन अपॉन टू थाउजेंड है ना वन अपॉन टू थाउजेंड यानी कितना हो गया फिर ये जीरो पॉइंट का पावर माइनस इंटू टेन का पावर माइनस टू मीटर वन बाई टू थाउजेंड यानी जीरो पॉइंट फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री इसको लिख सकते हैं जीरो पॉइंट फाइव इंटू टेन का पावर माइनस फाइव मीटर लेकिन अपने को चाहिए टेन का पावर माइनस सिक्स मीटर तो इसको क्या लिखना चाहिए फाइव इंटू टेन मीटर टेन का पावर माइनस सिक्स मीटर के आगे क्या है फाइव टेन का पावर माइनस सिक्स मीटर के आगे क्या लिखना पड़ेगा फाइव सो योर करेक्ट आंसर शुड बी न्यूमेरिकल एंट्री शुड बी फाइव है ना सिंपल

अब एरर पॉजिटिव है एरर कितना है 0.04 सेंटीमीटर सभी चीजें सेंटीमीटर में तो इसको भी सेंटीमीटर में लिख लेंगे 0.01 सेंटीमीटर लिख डालते हैं यहां पे ठीक है अब रीडिंग क्या होती है है ना रीडिंग क्या होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल डिविजन दैट कोइंसाइड्स मल्टीप्लाइड बाई लीस्ट काउंट माइनस एरर ठीक है नाउ व्हाट इज मेन स्केल रीडिंग मेन स्केल रीडिंग क्या बोला है उन्होंने मेन स्केल रीडिंग कितना है 10 mm 10 mm यानी वन सेंटीमीटर है ना और वर्नियर स्केल डिवीजन कितना कोइंसाइड हो रहे हैं 8th कोइंसाइड हो रहे हैं तो 8th इनटू लिस्ट काउंट इज 0.01 माइनस एरर कितना है 0.04 है ना तो इट इज 1 प्लस 0.08 माइनस 0.04 तो कितना हो ये 1 प्लस जीरो पॉइंट जीरो फोर विच इज वन पॉइंट जीरो फोर सेंटीमीटर लेकिन ऑप्शन कैसा है था? मतलब क्वेश्चन कैसा था वन जीरो माइनस टू सेंटीमीटर है ना तो टेन का पावर माइनस टू सेंटीमीटर के आगे क्या है वन जीरो फोर तो यहां पे आना चाहिए वन जीरो फोर तुम्हारा न्यूमेरिकल एंट्री होना चाहिए था वन हंड्रेड एंड फोर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट दैट इन गेज

देयर आर फिफ्टी डिविजन ऑन द सर्कुलर स्केल एंड द मेन स्केल मूव बाई जीरो जो दिया हुआ है ये क्या है पिच है और नंबर ऑफ डिविजन कितने हैं? तो पहले लिस्ट काउंट निकाल लेते हैं कितना है? पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन विच इज जीरो कितना हो गया प्लस फाइव इंटू जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो हो गया एरर प्लस पॉजिटिव एरर है ठीक है नाउ फॉर पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन द रीडिंग ऑन द मेन स्केल इज फाइव एम एम है ना एंड ट्वेंटी रीडिंग कितना रहेगा या ट्रू रीडिंग कितना रहेगा दैट वुड बी मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इन टू लीस्ट काउंट माइनस एरर ठीक है मेन स्केल रीडिंग कितना है बेटा मेन स्केल रीडिंग कितना बोला है यहाँ पे फाइव एम एम है ना फाइव एम एम बोला है प्लस सर्कुलर स्केल कितना है सर्कुलर स्केल का रीडिंग कितना है ट्वेंटी इन टू लीस्ट काउंट कितना है जीरो पॉइंट एरर कितना है जीरो पॉइंट जीरो फाइव तो कितना हो गया फाइव प्लस जीरो पॉइंट टू माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव तो इट इज फाइव प्लस उट फिर ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन एदर्शन रीजन का है इफ एन फाइव कंप्लीट रोटेशन ऑफ द सर्कुलर स्केल द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन द मेन स्केल is 5 mm यानी पांच रोटेशन में आगे कितना बड़ा स्क्रू 5 mm तो पिच कितना हो गया बेटा यहाँ पे पिच हो गया 1 mm है ना और 50 डिवीजंस है सर्कुलर स्केल पे तो लिस्ट काउंट कितना होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन 1 अपॉन 50 है ना सेंटीमीटर में तो इसको 0.1 सेंटीमीटर लिखेंगे तो 0.1 तो इसको अगर सॉल्व किया तो इट इज 0.002 सेंटीमीटर है ना उन्होंने क्या बोला लीस्ट काउंट ये गलत है मतलब एजर्शन इज नॉट ट्रू नॉट करेक्ट रीजन क्या है लीस्ट काउंट का फॉर्मूला पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल टोटल डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल यानी रीजन करेक्ट है है ना एजर्शन गलत है क्योंकि एजर्शन जो है उसमें हमारा लीस्ट काउंट जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू सेंटीमीटर आया बट उन्होंने जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन बोला है जो कि इनकरेक्ट है बट रीजन करेक्ट है सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रिकी क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोला है दो स्टूडेंट्स है एक्चुअल वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ द वायर इज जीरो पॉइंट थ्री टू टू सेंटीमीटर रीडिंग है डिफरेंस बिटवीन द फाइनल सर्कुलर स्केल रीडिंग्स ऑब्जर्वड बाय द स्टूडेंट ए एंड बी इज है ना

अब ए स्टूडेंट के लिए जो ओ कोड कर रहे हैं वो फाइव पे कर रहे हैं मतलब यहां पे पॉजिटिव एरर है है ना यहां पे एरर कितना आएगा प्लस फाइव इंटू लीस्ट काउंट यानी एरर कितना आएगा प्लस जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव सेंटीमीटर है ना जीरो जीरो फाइव सेंटीमीटर ठीक है दूसरे वाले में एरर देखो क्या आएगा अब यहाँ पे रीडिंग देखो कौन सी क्वेंसाइड हो रही है नाइनटी टू नाइन टू यानी जीरो के पहले वाली फाइव यानी जीरो के बाद वाली थी तो यहाँ पे है निगेटिव एरर तो यहाँ पे एरर कितना है माइनस कितना है बेटा 92 कितने हो गए एट नहीं लेना गलती से भी नाइन्टी टू नहीं लेना कितने लेना एट क्योंकि जीरो के पहले कितने आए तुम जीरो के पहले एट आए होंगे ना तभी तो नाइन्टी टू आते हैं है ना तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एट इन टू लीस्ट काउंट विच इज माइनस जीरो पॉइंट जीरो जीरो एट सेंटीमीटर ठीक है दोनों की एरर होगी अब देखो फॉर्मूला क्या है एक्चुअल वैल्यू इज इक्वल टू रीडिंग माइनस एरर ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग है ना तुम ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो ठीक है अब देखो एक्चुअल वैल्यू कितनी है पहले केस में ए स्टूडेंट के लिए एक्चुअल वैल्यू कितनी है जीरो पॉइंट थ्री टू टू अब ये जो रीडिंग आती है वो क्या रहती है रीडिंग के दो पार्ट रहते हैं है ना मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग है ना जो अपने को निकालना है सर्कुलर स्केल रीडिंग निकालना है है ना तो मेन स्केल रीडिंग जो रहेंगी इनके लिए वो रहेंगी जीरो पॉइंट थ्री जीरो जीरो है ना क्योंकि जीरो पॉइंट थ्री टू टू सेंटीमीटर अगर गिन रहे हैं तो इसके पास वाली जो रीडिंग जो वो गिन रहा आएगा मेन स्केल की वो कितना गिन रहेगा जीरो पॉइंट थ्री जीरो जीरो क्योंकि इसके बाद में क्या आएंगे जीरो पॉइंट फोर जीरो जीरो आएंगे ना तो इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पे जीरो पॉइंट थ्री जीरो जीरो मेन स्केल रीडिंग है प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस एरर उसके लिए कितना है जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव तो यहां से अगर सी एस आर का फॉर्मूला तुमने सी एस आर का वैल्यू तुमने निकाला तो आता है जीरो पॉइंट जीरो टू सेवन सेंटीमीटर ठीक है अब बी स्क्रू गेज के लिए बी वाले स्क्रू गेज के लिए स्टूडेंट बी के लिए एक्चुअल वैल्यू कितना है जीरो पॉइंट थ्री टू टू एम एस आर कितना है जीरो पॉइंट थ्री जीरो जीरो सी एस आर उसके लिए भी निकालना है लेकिन उसमें जो एरर है वो निगेटिव एरर है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो उसका हो गया जीरो पॉइंट जीरो जीरो एट है ना तो उसके लिए अगर सी एस आर किए तो आता है जीरो पॉइंट जीरो वन फोर है ना सेंटीमीटर क्लियर तो देर फोर डिफरेंस इन सी एस आर कितना आ गया जीरो पॉइंट जीरो टू सेवन माइनस जीरो पॉइंट जीरो वन फोर दोनों के सीएसआर में का डिफरेंस है ना तो इट इज जीरो पॉइंट जीरो वन थ्री ये डिफरेंस इन सीएसआर रीडिंग अपने को चाहिए डिफरेंस इन सर्कुलर रीडिंग्स तो सर्कुलर सर्कुलर रीडिंग जो सर्कुलर स्केल्स जो आएंगी वो आएंगी जीरो पॉइंट जीरो वन थ्री डिवाइडेड बाई लिस्ट काउंट है ना तो इट इज जीरो लिस्ट काउंट कितना है जीरो तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 13 है ना तो 13 डिवीजंस का फर्क है दोनों के स्क्रू गेज में 13 डिवीजंस का फर्क है यू आर नॉट आस्क्ड कितने सेंटीमीटर का फर्क है है ना ये तो सर्कुलर स्केल रीडिंग्स में का फर्क है दोनों के सर्कुलर स्केल रीडिंग में 0.013 सेंटीमीटर का फर्क है लेकिन तुमको चाहिए था कि कितने स्केल्स का फर्क है कितने रीडिंग्स का यानी कितने

जीरो पॉइंट टू एम एम सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में दिख रहे हैं हमको तो तुरंत इसको कन्वर्ट कर लो सेंटीमीटर ठीक है नेक्स्ट इफ टेकिंग अ मेजरमेंट इट जीरोल लाइज बिटवीन एट पॉइंट फाइव सेंटीमीटर एंड एट पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर है ना तो ये जो रीडिंग रहता है जीरो के पहले वाली रीडिंग वो हमारी मेन स्केल रीडिंग होती है तो मेन स्केल रीडिंग कितना हो गया एट पॉइंट फाइव सेंटीमीटर है ना

प्लस वी एस आर माइनस एरर अब एरर भी पॉजिटिव एरर ही है यहाँ पे तो इट इज एट पॉइंट फाइव प्लस जीरो पॉइंट जीरो सिक्स माइनस जीरो पॉइंट जीरो टू है ना विच इज एट पॉइंट फाइव प्लस जीरो पॉइंट जीरो फोर तो इट इज एट पॉइंट फाइव फोर सेंटीमीटर सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट दैट वन मेन स्केल डिविजन ऑफ वर्नियर कैलिपर इज ए सेंटीमीटर यानी का वैल्यू दिया हुआ है ए सेंटीमीटर लेकिन तुमको आंसर जो है ना एम mm में पूछा है तो इट इज ए क्योंकि ये ए सेंटीमीटर था ठीक है आगे क्या बोला है एंथ डिविजन ऑफ वर्नियर स्केल को इंसाइड विथ एन माइनस वन डिविजन ऑफ मेन स्केल है ना यानी एन माइनस वन ये किसके इक्वल है एन वी एस डी के इक्वल है हमको पता है क्या कि ये जो वैल्यू होती है ये एम होती है और ये वैल्यू एन होती है ठीक है तुमको क्या निकालना है काउंट है ना लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है ब्रैकेट में वन माइनस एम की वैल्यू कितनी है एन माइनस वन अपॉन एन ठीक है तो टेन ए ये कितना हो गया एन माइनस एन प्लस वन अपॉन एन कैंसिल हो गया तो इट इज टेन ए बाई एन तो योर आंसर इज टेन ए बाई एन ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट स्क्रू गेज हैज फिफ्टी डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल द सर्कुलर स्केल इज फोर यूनिट्स अहेड ऑफ द पिच स्केल मार्किंग है ना फोर यूनिटेड्स फोर यूनिट्स अहेड यानी यहाँ पे है पॉजिटिव एरर है ना तो यहाँ पे एरर कैसा है पॉजिटिव एरर है ठीक है आगे क्या बोला है प्रायोरिटी यूज अपॉन वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ जीरो तुमको नेचर ऑफ जीरो बताना है चलो नेचर ऑफ जीरो गलत है सी बी सी डी में से करेक्ट हो सकता है ठीक है अब तुमको क्या निकालना है लीस्ट काउंट लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डेविएशन लेकिन ये जो आंसर आ रहा है तुम्हारा किस में आ रहा है एमएम में अपने को आंसर देखो ऑप्शंस देखो एमएम में तो ये तो गलत ही हो गया क्योंकि 0.1 एमएम mm तो आ ही नहीं सकता आंसर आ जाएगा इसका 0.001 एमएम mm, है ना तो ये तो गलत है अब अब अगला ऑप्शन क्या है में? किस चीज में माइक्रोमीटर है ना तो माइक्रोमीटर के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा

तो ये कितना हो गया हमारा जीरो पॉइंट जीरो फाइव बाई फाइव जीरो पॉइंट जीरो वन हो गया है ना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहां पे जीरो पॉइंट जीरो वन चाहिए तो टेन का पावर थ्री से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा टेन सो करेक्ट आंसर जो आ जाएगा यहां पे कितना आ जाएगा लिस्ट काउंट का टेन माइक्रोमीटर तो एरर है पॉजिटिव एरर और लिस्ट काउंट है टेन माइक्रोमीटर सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था 50 scale, अब कोई बच्चा देखे कि भाई इसमें बाकी चीज तो दिया ही नहीं है, है ना मेन स्केल रीडिंग नहीं दिया है कौन सा सर्कुलर स्केल कोई कर रहा है ये भी नहीं दिया है और ऑप्शन दे दिया है. मतलब वो बोलेगा कि क्वेश्चन इनकम्प्लीट है लेकिन ऐसा नहीं है, है ना यहाँ से पहले एक काम करतेस्ट काउंट निकाल लेते हैं तो लीस्ट काउंट क्या होता है पिच

एंड दीरोल इज लाइंग राइट साइड ऑफ दीरोन स्केर स्केल इज लाइंग टू द राइट साइड मतलब यहाँ पे पॉजिटिव जीरो एर है, है ना? तो जीरो एरर कितना है फिर जीरो एरर कैसे निकालेंगे कौन सा को इन साइड कर रहे हैं सेवेंथ तो सेवन इन टू लीस्ट काउंट है ना तो कितना आ जाएगा जीरो पॉइंट सेवन mm. एम एम

सेंटीमीटर एंड थ्री पॉइंट टू सेंटीमी लाइज बिटवीन थ्री पॉइंट वन सेंटीमीटर एंड थ्री पॉइंट टू यानी जीरो के पहले कौन सा लाया आ रहा है कौन सा आ रहा है ना और फोर्थ वर्नियर स्केल डिविजन द मेन स्केल रीडिंग कितनी हो जाएगी फिर हमारी फोर इन टू लिस्ट काउंट विच इज जीरो पॉइंट जीरो फोर सेंटीमीटर तो फाइनल रीडिंग क्या रहेंगे फिर हमारी फाइनल रीडिंग फाइनल रीडिंग होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस एरर। व्हाट इज मेन स्केल रीडिंग वर्नियर स्केल जीरो फोर माइनस जीरो पॉइंट जीरो सेवन है ना तो विच इज थ्री पॉइंट वन माइनस जीरो पॉइंट जीरो थ्री विच कम्स आउट टू बी थ्री पॉइंट जीरो सेवन सेंटीमीटर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सिंपल नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट इफ द स्क्रूगे स्क्रू गेट इज गिवेस रोटेशन इट मूव बाई थ्री एम एम तो इसका पिच निकाल सकते हम लोग यहां से पिच क्या आ जाएगा थ्री बाय सिक्स एम एम विच इज जीरो पॉइंट फाइव एम एम ठीक है क्लियर ना इफ देयर आर फोट

करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए अगला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ता है, है। है तब जाके क्वेश्चन की आती देखो, ना का count जो होता है ना, वो हमेशा पिच होता है ये ध्यान में रखना इन्होंने क्या बोला है? Least count of the screw gauge नहीं बोला है स्क्रू गेज बोला है, है ना? तो यहां पर mm, इसको मैं 10 का पावर माइनस थ्री मीटर लिखता हूँ यहाँ पे कारण है इसका आगे बताऊंगा द मिनिमम नंबर ऑफ डिविजन ऑन इट सर्कुलर स्केल रिक्वायर्ड टू मेजर फाइव माइक्रोमीटर डायमीटर यानी सबसे कम अगर इतना मेजर करना है मतलब ये क्या हो गया लिस्ट काउंट हो गया तो यहाँ पे फाइव माइक्रोमीटर जो है जो डायमीटर है वायर का वो हमारा क्या हो गया हमारा लिस्ट काउंट है ना तो लिस्ट काउंट कितना है फाइव माइक्रोमीटर है ना तुमको निकालना है नंबर ऑफ डिविजन है ना तो फॉर्मूला क्या है लिस्ट काउंट का इट इज पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन है ना तो नंबर ऑफ डिविजन कितना आ जाएगा यहाँ से ये इधर चल देगा ये इधर चल देगा यानी पिच वन इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री अपॉन लिस्ट काउंट फाइव इंटू टेन टू ऊपर गया प्लस हो गया यानी ऊपर बचा थाउजेंड नीचे बचा फाइव तो करेक्ट आंसर इज नंबर ऑफ डिविजन शुड बी टू हंड्रेड ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट एंड द नंबर ऑफ डिविजन ऑन द सर्कुलर स्केल फॉर अ गिवन स्केलो पॉइंट फाइव एम एम एंड हंड्रेड रिस्पेक्टिवली चलो पिच और नंबर ऑफ डिविजन से हम लोग क्या निकाल लेंगे पहले लीस्ट काउंट लीस्ट काउंट कितना आएगा जीरो पॉइंट फाइव अपॉन हंड्रेड विच इज जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव एम एम ठीक है

है ना वो क्वेश्चन से ही समझना है इट इज पॉजिटिव एरर नाउ द रीडिंग ऑफ द मेन स्केल एंड सर्कुलर स्केल मेन स्केल की रीडिंग कितनी है 5.5 mm एंड 48 सर्कुलर स्केल रीडिंग है है ना तो फाइनल रीडिंग कितनी तो फाइनल रीडिंग क्या होती है दैट इज मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट सॉरी इनटू लीस्ट काउंट माइनस एरर है ना मेन स्केल कितना है फाइव एम mm, नहीं फाइव पॉइंट फाइव है सॉरी फाइव पॉइंट फाइव प्लस फोर्टी एट इंटू जीरो प्लस फोर्टी एट इंटू जीरो जीरो कितना होता है जीरो पॉइंट टू फोर माइनस जीरो पॉइंट जीरो इन दोनों को ऐड किया तो ये हो गया फाइव पॉइंट सेवन फोर माइनस जीरो पॉइंट जीरो वन फाइव तो इसको यहाँ पे सब करेंगे फाइव पॉइंट सेवन फोर माइनस जीरो पॉइंट जीरो वन फाइव कितना गया फाइव है ना वन कैरी टू सेवन तो फाइनल आंसर इज फाइव पॉइंट सेवन टू फाइव एम एम है ना सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट दैट इन अ अट्स

आर सर्कुलर सर्कुलर स्केल है ना तो यहां से लिस्ट काउंट भी निकाल लेते हैं हम लोग लिस्ट काउंट क्या होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन विच इज अपॉन हंड्रेड इसको ऐसे ही रखते अभी का सॉल्व नहीं करेंगे आगे क्यों बता दो कारण द थिकनेस ऑफ द वायर मेजर्ड बाई द्रू गेज गिवज अ रीडिंग ऑफ फोर मेन स्केल डिविजन है ना तो मेन स्केल रीडिंग कितना हो गया फिर फोर इन मेन स्केल डिविजन एक मेन स्केल डिविजन क्या होता है

उन्होंने क्या बोला है एज्यूमिंग जीरो एरर कुछ भी नहीं है तो थिकनेस कितना रहेगा? रहेगा कितना फिर? Reading का formula क्या है? कितनी जीरो पॉइंट टू और सर्कुलर स्केल जीरो पॉइंट जीरो जीरो पॉइंट टू वन फाइव सेंटीमीटर सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी समझ में आया

अब कितना डिवीजन है जीरो के ऊपर कितना डिवीजन रहेगा टोटल पचास डिवीजन है पचास में से फोर्टी फिफ्थ रहा यानी कितवा डिवीजन हुआ वो जीरो के ऊपर कितवा डिवीजन हुआ पांचवा समझ में आया क्या एक और बार समझाता समझा ध्यान दो कितवा डिविजन है कितने नंबर का डिवीजन को साइड कर रहे हैं फोर्टी फाइव है टोटल कितने फिफ्टी इसका मतलब फिफ्टी के ऊपर फिफ्टी यानी हमारा जीरो हो गया एक्चुअली जीरो से फिफ्टी वापस फिफ्टी के बाद में वापस जीरो ही आएगा ना

सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे निकालेंगे कितवा डिवीजन को इन कर रहा है ट्वेंटी फिफ्थ इन टू लीस्ट काउंट है ना तो ट्वेंटी किया तो इट इज टू फाइव एम एम तो फाइनल रीडिंग कितना रहेगा बेटा फाइनल रीडिंग फाइनल रीडिंग का फॉर्मूला क्या है एम एस आर प्लस सी एस आर माइनस एर आर है ना एम एस आर कितना है बेटा यहाँ पे जीरो पॉइंट फाइव प्लस सी एस आर कितना जीरो पॉइंट टू फाइव माइनस 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 हो जाएगा प्लस क्योंकि रीडिंग एरर है निगेटिव एरर है तो माइनस माइनस प्लस जीरो पॉइंट जीरो फाइव है ना तो कितना हो गया जीरो पॉइंट फाइव प्लस जीरो पॉइंट थ्री इन दोनों का एडिशन है ना सो करेक्ट आंसर इज जीरो पॉइंट एट एम एम है ना तो इसका आंसर है ऑप्शन डी है ना सिंपल

जीरो पॉइंट जीरो वन सेंटीमीटर है ना क्योंकि सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में अब तीन रीडिंग्स है, है ना और निगेटिव जीरो एरर दिया हुआ है जीरो पॉइंट जीरो थ्री सेंटीमीटर तुमको मीन करेक्टेड डायमीटर निकालना है यानी तुमको हर एक रीडिंग के लिए पहले डायमीटर निकालना है और फिर उसका एवरेज निकालना है ठीक है तो पहला रीडिंग है ना पहले रीडिंग के लिए व्हाट इज फॉर्मूला क्या यूज करेंगे अपन फॉर्मूला यूज करेंगे एमएसआर प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट माइनस एरर ये तो पहले रीडिंग के लिए जो रीडिंग वन आएंगे कितनी आएंगी एम एस हो कितना है एट इन लीस्ट काउंट कितना हो गया जीरो पॉइंट जीरो हो गया प्लस हो गया है ना जीरो पॉइंट जीरो थ्री तो इट इज जीरो पॉइंट फाइव प्लस जीरो पॉइंट जीरो एट प्लस जीरो पॉइंट जीरो थ्री विच इजरो प्लस जीरो पॉइंट इट इज जीरो सेंटीमीटर है ना ये हो गई जीरो पॉइंट सिक्स वन सेंटीमीटर पहली रीडिंग ठीक है दूसरी रीडिंग दूसरी रीडिंग कितनी आएगी जीरो पॉइंट फाइव प्लस कितवा डिवीजन को इन हो रहा है बेटा फोर्थ है ना तो इट इज फोर इन लीस्ट काउंट प्लस एरर तो माइनस माइनस प्लस हो गई ना क्योंकि निगेटिव एरर सब में निगेटिव एरर है इसको अगर सॉल्व किया है ना तो इसका आंसर आएगा जीरो पॉइंट फाइव सेवन सेंटीमीटर अब वो डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं जीरो पॉइंट फाइव सेवन सेंटीमीटर ठीक है तीसरी रीडिंग है ना वो कैसी आएंगी जीरो पॉइंट फाइव प्लस उसका कौन सा डिविजन कौन साइड हो रहा है सिक्स वाला है ना तो सिक्स इन टू लीस्ट काउंट कितना जीरो पॉइंट जीरो वन प्लस जीरो पॉइंट जीरो थ्री इसको अगर सॉल्व किया तो इसका आंसर आता है जीरो पॉइंट फाइव नाइन सेंटीमीटर तो ये रीडिंग हो गई जीरो पॉइंट फाइव नाइन सेंटीमीटर ठीक है अब तुमको चाहिए एवरेज एवरेज कैसे निकालेंगे आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री डिवाइडेड बाई थ्री है ना जीरो पॉइंट सिक्स वन प्लस जीरो पॉइंट फाइव सेवन प्लस जीरो पॉइंट फाइव नाइन अपॉन थ्री है ना अब इन तीनों का एडिशन कर लेंगे यहाँ पे कर ही देता हूं ना तुम्हारे पे नहीं छोड़ दो कर देता हूँ यहाँ पे टेन सेवनटीन वन कैरी टेन सेवनटीन वन कैरी वन पॉइंट सेवन सेवन अपॉन थ्री विच इज जीरोमी है ना क्लियर सो करेक्ट आंसर इज जीरो पॉइंट फाइव नाइन सेंटीमीटर ऑप्शन बी अगला क्वेश्चन थोड़ा पढ़ के अजीब लगेगा बट है वर्नियर कैलीपर का, का ही क्वेश्चन

और टोटल नंबर ऑफ डिवीजंस ऑन द वर्नियर स्केल इज 30 एंड मैच विद 29 डिवीजंस ऑन द मेन स्केल यानी 30 एमएसडी सॉरी 29 एमएसडी मैचेस विद 30 वीएसडी है ना एज ऑलवेज ये हमारा m है और ये हमारा n है ठीक है तो यहाँ पे लीस्ट काउंट कितना आता है 1 एमएसडी ब्रैकेट में 1 m n वन एम एस डी कितना है जीरो पॉइंट फाइव डिग्री एम कितना है ट्वेंटी तो इट इज फाइव इंटू वन बाई थर्टी इसको ऐसे ही लिख देता हूँ लीस्ट काउंट जीरो पॉइंट फाइव इंटू वन बाई थर्टी डिग्रीज तो फाइनल रीडिंग कितना होगा एरर दिया है क्या यहाँ पे नहीं एंगल ऑफ प्रिज्म फाइनल रीडिंग फाइनल रीडिंग कितना होगा मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन जो कोइन हो रहा है इनटू लीस्ट काउंट मेन स्केल कितना है बेटा 58.5 है ना तो यहाँ लिखते हैं अपन 58.5 वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइन हो रहा है यहाँ पे दिया है ना नाइन नंबर का है ना नाइन इनटू लिस्ट काउंट कितना है 0.5 पॉइंट फाइव बाय थर्टी थ्री जा टेन जा है ना तो इट इज़ 58.5 डिग्री प्लस जीरो पॉइंट वन फाइव ये जीरो पॉइंट वन फाइव आएगा नहीं क्योंकि ये by 10 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर फाइनल आंसर इज फिफ्टी एट पॉइंट में सिक्स फाइव डिग्रीज फिफ्टी एट पॉइंट सिक्स फाइव डिग्री ऑप्शन सी समझ में आया नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट दैट एन डिविजन ऑन द मेन स्केल ऑफ द वर्नियर कैलिपर वर्नियर स्केल

सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन अ अ अ स्टूडेंट मेजर्ड डायमीटर ऑफ ऑफ़ यूजिंग स्क्रू गेज काउंट सेंटीमीटर एंड है के बाद में कितने प्लेसेस हैं तीन तो फाइनल आंसर में भी डेसिमल के बाद में कितने प्लेसेस होने चाहिए तीन तो वो इसमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन में बैठ रहा है विच इज ऑप्शन डी है ना सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी फाइव पॉइंट था नहीं ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट अ स्क्रू गेज द फॉलोइंग रीडिंग वेन यूज टू मेजर द डायमीटर ऑफ डायमी मेन स्केल रीडिंग है जीरो एम एम सर्कुलर स्केल रीडिंग के फिफ्टी टू डिविजन है गिवन दैट वन एम एम ऑफ ऑन मेन स्केल करेस्पॉन्ड टू हंड्रेड डिविजन यानी ये हो गया आप पिच और ये हो नंबर ऑफ़ तो यहां से काउंट कितना हो गया बेटा mm, तो mm. में? ठीक में, तो है, है तो तुमको क्या चाहिए डायमीटर यानी रीडिंग रीडिंग का फॉर्मूला क्या रहेगा मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट है ना तो मेन स्केल रीडिंग कितना है जीरो सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना आएगा फिफ्टी टू इंटू लीस्ट काउंट जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन सो करेक्ट आंसर इज जीरो पॉइंट जीरो फाइव टू है ना सेंटीमीटर सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सिंपल वन नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स दैट टू फुल टर्न ऑफ अ सर्कुलर स्केल ऑफ स्क्रू गेज कवर्स ऑफ वन एम एम ऑन इट्स नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल इज फिफ्टी तो यहां से हम लोग लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं. लिस्ट काउंट कितना आ जाएगा फिर जीरो पॉइंट फाइव अपॉन फिफ्टी विच इज वन एम एम ठीक है ये लिस्ट काउंट आ गया अब फर्दर इट इज फाउंड दैट द स्क्रू गेज हैज जीरो एरर ऑफ़ है द वायर अ स्टूडेंट द मेन स्केल रीडिंग ऑफ थ्री एम एम यानी एम एस आर जो है ये कितना है थ्री एम एम और नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन इन लाइन विद स्केल इज थर्टी फाइव यानी सर्कुलर स्केल डिविजन सी एस डी ये कितना हो गया सी एस आर लिख डालते हैं ना डायरेक्ट सर्कुलर स्केल की रीडिंग काउंट इज इज ठीक है तो फाइनल डायमीटर कितना रहेगा रीडिंग कितना रहेगा मेन स्केल रीडिंग सर्कुलर स्केल रीडिंग में लिस्ट काउंट लिख डाला है इसलिए डायरेक्ट सी एस आर माइनस एरर ठीक है मेन स्केल कितना है यहाँ पे थ्री सर्कुलर स्केल जीरो पॉइंट थ्री टू माइनस माइनस हो गया प्लस जीरो पॉइंट जीरो थ्री है ना तो कितना आ गया थ्री प्लस जीरो पॉइंट थ्री थ्री है ना नहीं जीरो पॉइंट थ्री फाइव आएगा सॉरी तो कितना आ जाएगा थ्री पॉइंट थ्री फाइव एम एम है ना सीधा कैलकुलेशन था तो फाइनल रीडिंग आएगा थ्री पॉइंट सॉरी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है क्या हमारा एक बार चेक कर लेते हैं थर्टी टू ये हो गया जीरो पॉइंट थ्री टू है ना मेन स्केल रीडिंग हम लोगों ने सही लिखा क्या 3 थर्टी फाइव है एक्सट्रीमली सॉरी थर्टी फाइव है ये 35 है तो ये थर्टी फाइव चाहिए था 35, तो जाएगा जाएगा और ये हो सो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है ना थोड़ा सा हम लोगों ने थर्टी फाइव नहीं पढ़ा मैंने थर्टी टू कर लिया था so यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट हो जाता है ओके बाय एवरीवन